पूरे हफ्ते भर पिता तूने हमको संभाल के रखा पिता, और तेरी हुजूरी से पिता तूने हमें नवाजा पिता। ओ पवित्र आत्मा तू हमें चलाता है, तू हमारे संग रहता है पिता। ओ पवित्र आत्मा हम सब पर पिता तेरी महिमा को प्रकट कर पिता। ओ परमेश्वर तेरी तरह खूब धन्यवाद करते हैं पिता, वो तेरा जितना धन्यवाद करे उतना कम है पिता। ओ पिता तूने तूने यीशु को भेजा पिता, ओ तूने वो राह बना कर दी पिता जो हम कभी नहीं कर सकते थे पिता, वो हमारी ओर से कभी हो ही नहीं सकता था, असंभव था पिता। वो पिता तूने दिया हमें वो राह पिता, वो सत्य पिता, वो मार्ग तूने दिया ताकि हम तुझ तक पहुंच सके पिता। वो रिश्ता जो तुझसे टूट गया था पिता वो तूने फिर से जोड़ दिया पिता। वो तेरे लिए इस सैक्रिफाइस के लिए पिता धन्यवाद करते हैं पिता। वो तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, वो तेरे जैसे होने लगे पिता हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। वो पवित्र आत्मा हमें चलाए पिता, वो जब आज हम सभी मिलकर इकट्ठे होते हैं पिता, वो पिता आपके वर्शिप के लिए पिता, अब हमें पवित्र आत्मा हमें चलाए, हमारे दिल से हर स्तुति पिता सिर्फ और सिर्फ यहोवा आपकी होने पाए, वो सिर्फ आप ही की और आप ही की, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके अलावा कोई परमेश्वर दूजा नहीं है पिता। वो पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपकी स्तुति करते रहे पिता, वो जीवन पर हम आपकी स्तुति करते रहे पिता। धन्यवाद 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 सभी सभी मैसेज को सभी स्तुति को पिता आप तक पहुंचाए पिता, वो सब आपकी ओर से होने पाए और आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। उन सभी के लिए पिता यहाँ पर जो भी आपने सब कुछ संभव करके दिया है पिता उसके लिए धन्यवाद। वो सभी सभी चीजों को सभी प्रार्थनाओं को सभी चीजों को पिता वो यीशु नाम में पिता हम मांगते हैं। धन्यवाद पिता आमेन। Say he ra
प्रभु हम ये कबूल करते हैं, तू ही है राजा हालेलुया, तू ही है परमेश्वर, यू आर द लॉर्ड ऑफ। महिमा देना चाहते हैं प्रभु, जिसे हम स्तुति और आराधना देना चाहते हैं आज सुबह प्रभु, हमारे हृदय से तू अपनी महिमा को ले, तू अपनी आराधना को ले हालेलुया, तू अपनी मेरा मन हमारे हृदय में तू अपनी प्रभु जी सिंहासन को बना, ताकि प्रभु हम तुझे प्रभु जी तुझे सराहे है, तू राजा है हालेलुया, तू प्रभु है हालेलुया। प्रभु हम कहते हैं कि तू हम पर राज कर हालेलुया, चाहे हमारे खताएं कितने ही गहरे क्यों ना हो हालेलुया, हालेलुया तू हमें आजाद करता है हालेलुया, तू हमें तेरे पवित्र लहू से पावन करता है हालेलुया। प्रभु आज सुबह हम धन्यवाद कहते हैं, तेरी महिमा करते हैं हालेलुया। गहरे हो खताए जब तुझे पा रहमत भीतर, जहां तू है आजाद सब मसीह मुझ में पावन अब। गहरे हो खताए कश्तियां प्रभु जी उस तूफान के लहरों के ऊपर क्यों ना हो हालेलुया, प्रभु तू हमें संभालता है हालेलुया, प्रभु हमारे मन को तू घबराने नहीं देता है हालेलुया, क्योंकि प्रभु तू विदाता है हालेलुया, हमारे कश्ती को सवारने वाला परमेश्वर तू ही है हालेलुया। प्रभु जी तेरा प्यार प्रभु जी वर्णन से बाहर है प्रभु, उस
प्यार को प्रभु हम पाना चाहते हैं हालेलुया। हम क्यों फिक्र करें प्रभु जब तू हमारे संग है हालेलुया। तेरा वचन कहता है जब तुम्हारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है हालेलुया। वो लहरें वो तूफान प्रभु जी हमें कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि तू हमारे संग है हालेलुया। तू हमारे संग है परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया तू हमारे संग है। राए जिया तेरा कहे घबराए सागर हवाओं का जो बिताता है देख तेरी हंसी को सहारे मौजे तूफानी जब कश्ती से टकराए जिया तेरा कहे घबराए सागर हवाओं का जो बिताता है देख तेरी कश्ती को सहारे तू फिक्र न कर तू फिक्र ना कर प्यारे
झुकाया था यीशु ने हाथ तेरी ओर बढ़ाए, बोझे भारी जग कंधों को सजाए, तेरा तेरा काहे उतारे, सबसे भारी बोझ उठाया था यीशु ने हाथ तेरी ओर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, चाहे हमारा अवस्था हालेलुया कैसा ही क्यों ना हो, प्रभु हम तुझे स्तुति करना चाहते हैं, तुझे आज महिमा देना चाहते हैं। हालेलुया, आज सुबह हम कहते हैं तू यीशु, तू ही राजा है, तू ही महाराजा है। हालेलुया, हमारे जीवन के लिए तू ही योग्य प्रभु है। हालेलुया, हम कहते हैं परमेश्वर तू हमारे जीवन से, हमारे प्रभु जी इस कलीसिया से तू स्तुति पा। हालेलुया, आज सुबह हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, राजा है तू, प्रभु है। हालेलुया, तू ही हमारा आसरा है, तू ही हमारा जीवन का राह है प्रभु, तुझे हम आराधना और स्तुति करना चाहते हैं, तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही, प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा।
बचने वाले प्रभु आराधना तेरे यीशु सृष्टि को रचने वाले प्रभु महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा तुझको मिले महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा सम्मान यीशु तुझको मिले यीशु सारा
स्वीकार किया है प्रभु जी। हो सकता है प्रभु हमारा प्रभु जी हमारा जो आवाज है प्रभु ठीक ना हो, लेकिन प्रभु तूने इसे ठीक कर प्रभु अपने लिए योग्य ठहराया। प्रभु हमारी इस आराधना को तूने प्रभु जी स्वीकार किया है प्रभु। हम ऐसे विश्वास करते प्रभु, ऐसे प्रभु जी हम तुम्हारे दिल की इच्छा है प्रभु, तुम्हारी आराधना को स्वीकार कर। हालेलुया, धन्यवाद करते सब बात प्रभु जी। आगे के हर समय को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं खुदाबंद। हालेलुया, ये हमारे आराधना स्तुति को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं खुदाबंद। हालेलुया, हमें चलाना प्रभु। प्रभु जी हम शरीर में निर्बल है पिता, आत्मा में बलवंत होने जाए प्रभु, तू हम पर राज करना। हालेलुया, हमारे हृदय को प्रभु तो अपनी सिंहासन बनाना पिता, आपके वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु दिन प्रतिदिन भरना प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है तेरे स्वरूप में प्रभु दिन प्रतिदिन बदलते जाए प्रभु, तुझे ग्राह्य बने। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया हमारा जीवन प्रभु बलिदान बने प्रभु, तेरी महिमा के लिए प्रभु बढ़ा रहे प्रभु, तेरी स्तुति और प्रशंसा के लिए प्रभु हमारा जीवन प्रभु योग्य बने पिता। हालेलुया, आज सुबह प्रभु सभा को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, आपके सेवक को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं खुदावंद, सेवक के द्वारा प्रभु अद्भुत वचन को प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक जीवन में प्रभु पहुंचाना। हालेलुया प्रभु, उस वचन से प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक जीवन को प्रभु बदलना। हालेलुया, हमारे मन को बदलना, हमारे हृदय को प्रभु जी रूपांतर करना, ताकि प्रभु जैसा तू चाहता है प्रभु हमारे हृदय वैसा बने, हमारा जीवन वैसा बने प्रभु। ऐसा ना है, ऐसा ना हो कि प्रभु हम हमारी इच्छा पर हमारे प्रभु जी योजना पर चले प्रभु, उन सारी इच्छा और योजनाओं को प्रभु परे छोड़कर पिता हम आपकी इच्छा और आपकी योजनाओं को पकड़कर चढ़ने वाले बने पिता। आज हुआ प्रभु हम आपसे पुकारते हैं प्रभु, हमारी प्रभु जी परिस्थिति प्रभु हो सकता है प्रभु हमारी इच्छा के विपरीत हो प्रभु, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरा होने के लिए प्रभु, आपकी योजना पूरा होने के लिए हम आपसे प्रभु जी हालेलुया आपसे प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया, प्रभु जी हमारे कलीसिया के हमारे जान पहचान के लोग प्रभु, हालेलुया ओ प्रभु इस बीमार से हो तो पिता हम आपसे दुआ करते प्रभु जी कि आपके वचन को भेजकर प्रभु, सामर्थ को भेजकर प्रभु सभी जीवन में प्रभु जी चंगाई और छुटकारे को देना। हालेलुया प्रभु, क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वचन को भेजकर प्रभु तू अद्भुत तुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम पुकारते हैं प्रभु आज सुबह आपकी स्तुति और महिमा करते प्रभु, हमारे हृदय से प्रभु आपको महिमा मिले, धन्यवाद करते पिता सारी बातों के लिए, सभा को समर्पित करते पिता। हालेलुया, आपके सेवक को और इमारत को आपके हाथों में भरते पिता, आपके स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से पिता अपने सेवक को भरना। हालेलुया, आपके वचन प्रभु सेवक के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचाना। हालेलुया, उस वचन को प्रभु हम थामे रहे पिता, उस वचन को छोड़े नहीं, वचन से प्रभु हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु हमें शक्ति सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि देना पिता, प्रभु हम आपसे मांगते हैं उस स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि को मांगते हैं पिता। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु, आपने राजा सुलेमान को प्रभु ज्ञानी बनाया प्रभु, बुद्धिमान बनाया प्रभु और प्रतिष्ठित बनाया पिता, इसी तरह प्रभु आपके हर एक बच्चे प्रभु आपके ज्ञान से प्रभु भरपूर हो। हालेलुया, आपकी बुद्धि से भरपूर हो प्रभु और प्रतिष्ठित बने पिता आपके राज्य में प्रभु जी, कार्य करने के लिए प्रभु निरंतर आगे बढ़े ऐसा होने दीजिए पिता प्रभु, हमारे मनों को हमारे हृदय को प्रभु तैयार करना। हालेलुया, आपका वचन प्रभु जब हम प्रभु जी सुनेंगे पिता, उस वचन के द्वारा हमारे जीवन का बदलना। हालेलुया, एक एक जन प्रभु जहाँ कहीं भी पिता इस सभा में जुड़े हैं तो प्रभु उन्हें आशीषित करना पिता, आपकी स्वर्गीय आशीषों को प्रभु हर एक जीवन में हम बोलते हैं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते सब बातों के लिए, एक और बार आपके दास को आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से उन्हें भरपूर कर पिता आपके वचन को प्रभु हम तक पहुंचाने के लिए उन्हें मदद करना, सहायता करना, आपका वचन हम सभी के जीवन में कार्यरत हो प्रभु, ऐसा होने देना। मान महिमा आदर जलाल सब कुछ
कुछ प्रभु यीशु आपके नाम को समर्पण करते हुए ये सुबह की प्रार्थना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस नॉर्थ। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की ग्रेस नॉर्थ न्यूज और ग्रेस नॉर्थ सभा में। आशा करती हूँ कि पिछला हफ्ता आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहा होगा और प्रभु ने अभी तक हम सभी लोगों को संभाल के रखा है, उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रेयर रिक्वेस्ट एंड अपडेट्स। प्रेयर रिक्वेस्ट में है ब्रदर सुनील, जिनका फेस पैरालाइज हो गया था कुछ दिन पहले, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ब्रदर सुनील को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखिएगा। सिस्टर भूमि की जो नेबर है वो अभी अभी रिसेंटली कोविड से रिकवर हो ही रही थी एंड उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया आँख में, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जरूर सिस्टर भूमि की नेबर को भी अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ब्रदर सुमित जो कि ग्रेस सेंट्रल का हिस्सा है, उनके लिए आपने पिछले दिनों जरूर प्रार्थना की होगी। वो फाइनली उनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है और उनकी वाइफ भी रिकवर कर रही है, लेकिन उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेंसिटिव है, तो आप ज़रूर उनकी वाइफ सिस्टर अबिगेल को और ब्रदर सुमित को अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखिएगा कि वो लोग जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ब्रदर सैम जो कि गांधी धाम का एक हिस्सा है, उनकी मदर के लिए आप सभी लोगों ने पिछले दिनों प्रार्थना की होगी और मई 18 को उनकी मॉम का निधन हो गया, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर ब्रदर सैम और उनके परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही कठिन समय है उनके लिए और इंडिविजुअली भी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जरूर उनको और उनके परिवार को अपने प्रार्थनाओं में जरूर याद रखिएगा। ब्रदर जगदीश, आप सभी जानते होंगे मेरे पापा, मेरी दादी जी का भी निधन हो गया पिछले दिनों 17 तारीख की रात को, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर हमें हमारे पूरे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे लिए भी कठिन समय है और स्पेशली पापा और उनके सिबलिंग्स के लिए भी, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन जिन लोगों ने मेरी दादी जी के लिए प्रार्थना की थी, और अब आप ज़रूर हम सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखिएगा। ग्रेस किड्स का स्पेशल ग्रेस इवनिंग है और थर्सडे को है 27th में, 27 मई को। सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि आप ज़रूर इसे अटेंड कीजिए, क्योंकि ये है फैंसी ड्रेस इवनिंग। जो भी डिटेल्स है वगैरह है वो ग्रेस किड्स के ग्रुप में आ चुका है, आप अपने संडे स्कूल टीचर से भी पूछ सकते हैं, आपके बच्चों के संडे स्कूल टीचर से, जो भी अपने कैंपस के टीचर्स है आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या डिटेल है, क्या होने वाला है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, और जूम पे होने वाला है 6:15 बजे 27 मई को शाम को, गुरुवार को। तो आप सभी ग्रेस किड्स के बच्चों से निवेदन है और ग्रेस किड्स के बच्चों के पेरेंट्स से निवेदन है कि आप ज़रूर इसे अटेंड कीजिए। सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयार होना, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है तो ग्रेस के सारे बच्चे ज्वाइन हो गए, तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ग्रेस टीन्स जो कि हर शुक्रवार होता है शाम 7 बजे जूम पे, तो आप सभी टीनेजर्स से निवेदन है कि आप ज़रूर 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 इसको भी अटेंड कीजिए। पिछले दिनों एक क्विज भी था, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सब टीनेजर्स से निवेदन है, बहुत ही मज़ा आता है, ग्रेस के सारे बच्चे जुड़ते हैं, तो सभी टीनेजर्स से निवेदन है कि आप ज़रूर उसे भी अटेंड कीजिए। वुमेंस मीटिंग जो कि हर दूसरे शनिवार होती है महीने के, तो आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप ज़रूर उसे भी अटेंड कीजिए। जितने भी अपडेट्स वगैरह होंगे वो सब कुछ वुमेंस ग्रुप में आ जाएगा, तो आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप रेगुलर अपने आप को अपडेट कीजिए, अपडेट रखिए और ज़रूर वो मीटिंग को अटेंड कीजिए। ग्रेस रिवॉल्यूशन जो कि यूथ मीटिंग है वो एवरी संडे होता है 5:30 बजे जूम पे, जो कि सेंट्रल की तरफ से है, जो कि सेंट्रल का जो मीटिंग होता है वो, तो अगर हो सके तो आप ज़रूर 5:30 बजे जूम पे ग्रेस रिवॉल्यूशन, ग्रेस यूथ मीटिंग जो कि सेंट्रल की तरफ से होता है, ज़रूर अटेंड कीजिए। ग्रेस यूथ मीटिंग नॉर्थ का पिछले दो शनिवार से 7:00 बजे जूम पे हो रहा है। ब्रदर आकाश नारा सारा ग्रुप में डिटेल भेज देते हैं, ग्रेस नॉर्थ के ग्रुप में भी आ जाता है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप बिना भूले उसे भी अटेंड कीजिए।
शनिवार को 7 बजे जूम पे होता है ग्रेस नॉर्थ का यूथ मीटिंग, तो आप बिना भूले उसे अटेंड कीजिए। आशा है कि आप सभी लोगों को अपडेट्स मिल गई होगी, और जब सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जो भी अपडेट्स आती रहती है ग्रुप में उसको ज़रूर बिना भूले चेक करते रहिएगा। होपफुली जल्द हम सब लोग साथ में मिलके प्रभु की स्तुति करने पाए, उसके लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक और बार स्वागत आप सभी का जो आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। आमेन। पिछला एक सप्ताह परमेश्वर ने हम सबको बचाया, संभाल कर रखा। मैं प्रभु के विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आए हम वचन की ओर सीधा चलें। प्रेज द लॉर्ड। आज जो है पेंतिकोस्त का दिन है, विश्व भर में पेंतिकोस्त का या 50वें दिन का इस पर्व को मनाया जा रहा है। हालेलुया। आज हम पुनरुत्थान और पेंतिकोस्त, ये दोनों बातों को साथ में समझने की कोशिश करेंगे। पुनरुत्थान और पेंतिकोस्त, हालेलुया, इसका कनेक्शन क्या है? पुनरुत्थान जो है, जैसे हमने देखा, वो एक घटना नहीं है, वो एक प्रोसेस नहीं है। हालेलुया। पुनरुत्थान जो है वो एक व्यक्ति है, और उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। हालेलुया। सो पुनरुत्थान हमें मृत्यु के बाद मिलने वाली बात नहीं है। पुनरुत्थान हमें, हालेलुया, अनंतता में मिलने वाली बात नहीं है। हम सब मर जाएंगे, उसके बाद हमें मिलने वाली बात भी पुनरुत्थान नहीं है। पुनरुत्थान यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक हम मानते हैं, हम सोचते हैं कि वो क्रूश है, लेकिन क्रूश से भी बढ़कर प्रेम का प्रतीक, हालेलुया, वो पुनरुत्थान है, वो खाली कब्र है। हालेलुया। क्रूश पर यीशु ने जरूर अपने आप को, हालेलुया, हमारे लिए सौंप दिया। वो बलिदान बन गया, उसने अपने पूरे जीवन को, हालेलुया, उसने अपने पूरे शरीर को वहां पर, हालेलुया, हमारे लिए, हमारे पापों को उठाकर वो बलि बना, वो हमारे लिए, हालेलुया, क्रूश पर उसके शरीर को फाड़ दिया गया। हमारे कारण, हालेलुया, वो घायल हुआ, उसने वो ताड़ना सही, हमारे पाप का दंड उसने अपने ऊपर उठाया। लेकिन पुनरुत्थान जो है वो उससे भी बड़ा प्रेम का एक प्रतीक इसीलिए है क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने हम सबको योग्य बनाया। यीशु ने हम सबको योग्य बनाया कि हम उसके लहू से धुल जाएं और हम ऐसे पात्र बन जाएं जहां वो आकर हमारे अंदर रह सकता है। हालेलुया। तो यीशु जो है वो हम सबके अंदर पुनरुत्थान के द्वारा आकर बस गया। हालेलुया। और इसलिए उसका पुनरुत्थान हम विश्वासियों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और बाइबल कहता है कि अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि ये जो विश्वास है, ये जो परमेश्वर के वचन और प्रभु पर जो विश्वास है, हालेलुया, वो आसान नहीं है। वो दुनिया के सोच के विपरीत है, वो दुनिया के समझ और दुनिया जिस दिशा में जाना चाहती है और शरीर जिस दिशा में हमें लुभाती है उसके बिल्कुल विपरीत है। और इसलिए हर दिन हमें अपने आप को सौंपना है, हमें अपने आप को क्रूश पर चढ़ाना है, हमें अपने आप को, हालेलुया, उन सारे शारीरिक लालसाओं के लिए मार कर हमें पुनरुत्थान का जीवन जीना है। हमें हर दिन मरना है हमारी अभिलाषाओं के लिए, हमारे हमारे स्वभाव, जो हमारे अंदर, जो हमारा मनुष्य है, जो हमारा शारीरिक मनुष्य है, उसके स्वभाव के ऊपर, उसके विचारों के ऊपर, उसके सोच के ऊपर, हर वो बात जो मसीह यीशु के विपरीत उठती है उसे हमें दबाकर, उसे हमें, हालेलुया, क्रूश पर चढ़ाकर हमें एक जीवता बलिदान बनने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हमारे लिए, प्रेज द लॉर्ड, पुनरुत्थान इतना अनिवार्य और जरूरी है। हालेलुया। और यीशु मसीह क्योंकि पुनरुत्थान पाया, वो अब हम सब में है और वो हमारे साथ उस क्रूश को उठाता है। और इसलिए मुझे और आपको मदद जरूर मिलेगी जब हम उसके ओर बुलाएंगे, जब उससे पुकारेंगे, जब प्रभु से मांगेंगे, तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, यीशु हमारे साथ रहकर इस क्रूश को उठाने के लिए। हालेलुया। वो तकलीफों का क्रूश हो, बीमारी का क्रूश हो, भय का क्रूश हो, मुसीबतों का क्रूश हो, अकेलेपन का क्रूश हो, जो सारे क्रूश हम उठाते हैं
सारे क्रूश में यीशु हमारे साथ हमारे अंदर आकर हमें सामर्थ्य देता है कि हम ये जो क्रूश जो हम अपने शारीरिक ताकत से जिसे हम नहीं उठा सकते उसे परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति जो हमारे अंदर है उसके द्वारा हालेलुया हम उन इस जिंदगी के सारे उन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए बाइबल कहता है कि हम विजेता से भी बढ़कर है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हालेलुया। क्योंकि जो विजय प्राप्त करता है उसे एक चीज कुछ समय के लिए मिलता है, हम विजेता से भी बढ़कर है क्योंकि हमने अनंतता को पा लिया जहां फिर कभी हारना नहीं है, हालेलुया। देयर इज नो मोर डिफीट। यू नो बहुत सारे विजेता थे दुनिया में, बहुत सारे लोगों ने दुनिया को जीत लिया, दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया, लेकिन आखिर में मौत ने उन्हें खा लिया, आखिर में हालेलुया बीमारी ने उन्हें डस दिया, हालेलुया आखिर में उनकी गलतियों में वो मर गए। लेकिन हम विजेता से भी बढ़कर इसलिए है क्योंकि जो विजय हमें मिली है हालेलुया वो फिर हमसे कभी भी छीना नहीं जा सकता। और इसलिए यीशु ने हमें एक अनंत विजय अपने पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें दिया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 11वां आयत आज के हमारे वचन अध्ययन का मूल वचन है। और मैं चाहता हूं कि आज जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उसमें आपको पेन पेंसिल ये सब जरूरी रहेगा, जल्दी से अपने पेन पेंसिल और आप नोट लिखने का है अगर आप लिखना चाहते हो तो ज़रूर लिखिएगा और साथ में स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि कुछ कुछ बातें मैं आपके लिए मैंने तैयार किया है ताकि आप उन चार्ट से समझ सको। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है और इन वचनों को ज़रूर आप लिखना। सब कुछ मैं पौने घंटे एक घंटे डेढ़ घंटे में सब कुछ बताकर ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, आपको भी बैठकर अध्ययन करना पड़ेगा और आपको सिर्फ मैं मदद कर सकता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर वचनों को मैं बता कर दूँ ताकि आप इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर के आत्मा की गहराई में हालेलुया आप चले। परमेश्वर की आत्मा आपको गहराइयों में ले जाना चाहता है हालेलुया, वो आपको सतही मसीह बनाना नहीं चाहता। ही डजंट वांट यू टू बी हालेलुया अ सुपरफिशियल क्रिश्चियन, हालेलुया वो चाहता है कि वचन की गहराई में जाकर इन वचनों के रहस्यों को हम जाने। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 11वां आयत, यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, हालेलुया यदि यानी देयर इज अ कंडीशन, सबके अंदर नहीं बसता है, कुछ लोगों के अंदर बसता है। और यह वचन उन लोगों के लिए लिखा है जिनके अंदर यीशु की आत्मा निवास करती है, तो उनको याद दिलाकर यह बताया जा रहा है कि यदि तुम्हारे अंदर यीशु की वो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया उसकी आत्मा तुम में बसा है तो फिर क्या है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे ना ये क्या लिखा है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया उसकी आत्मा अगर तुम में बसा हुआ है तो मसीह को जैसे मरे हुओं में से जिलाया वैसे ही तुम्हारे नश्वर देह, जब हम इस नश्वर देह में जी रहे हैं, हम जब इस नश्वर देह में हैं, हमें हालेलुया वही आत्मा जो मसीह को चलाया रहा था, वही आत्मा जो मसीह को हर दिन अगुवाई कर रहा था, वही आत्मा जो मसीह को विजय दे रहा था, वही आत्मा जो मसीह के द्वारा हालेलुया अद्भुत कार्यों को कर रहा था, वही आत्मा जो मसीह को हालेलुया वो लहरों के ऊपर चलने की सामर्थ्य दी, वही आत्मा जो हालेलुया मसीह को हालेलुया लाजर के कब्र पर जाकर उसके नाम को लेकर उसे उस कब्र से बाहर निकालने के लिए बताया, वही आत्मा प्रेज द लॉर्ड हमें भी हमारे अंदर भी रहकर हमारे इस नश्वर शरीर, ये जो हमारा नाशवान शरीर है हालेलुया उसे भी जिलाएगा, हालेलुया उसे भी सामर्थ्य देगा कि हम यीशु मसीह के जैसे जी सकें। देखिए नियमों की कमी के वजह से दुनिया में पाप है ऐसा नहीं है, यू नो बहुत सारे नियम है, बहुत सारे ग्रंथों में दुनिया भर के नियम है, लेकिन इन नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए यीशु मसीह उद्धार जब हमें देता है तो वो ये नहीं कहता कि ये सारे कर दो, ये 8 टेक्निक या 8 फोल्ड पाथ ये चीज कर लेना, ये मार्ग से आप मुझे पा सकते हो। यीशु ने आकर वो कुछ नहीं कहा, यीशु ने कहा मैं तुम में बसूंगा और तुम्हारे अंदर एक नया दिल उत्पन्न करूंगा ताकि तुम मेरे नियमों के ऊपर चल सको। वो हमें एक नया जीवन देना चाहता, ही वॉन्ट्स टू गिव अस अ न्यू बर्थ, हमें एक नया, हमें नए जन्म के द्वारा वो हमें हालेलुया नया मनुष्यत्व देकर नया इंसान बनाकर अब पाप का गुलाम नहीं लेकिन अब आजाद, हालेलुया पाप के ऊपर विजयंत
मनुष्य जैसा यीशु था वैसा हमें बनाकर हालेलुया वो हमें हालेलुया अनंतता की ओर ले जाता है, और तभी अनंतता सुनिश्चित हो सकती है। मतलब सोचकर देखिए कि 108 एम्बुलेंस को आपने फोन किया, 108 आपके घर पर आया, चेक किया, उन्होंने कहा कि आपको ऑक्सीजन की कमी है, अभी आपको यहाँ से वो जो गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जो हमारा हॉस्पिटल लगा है वहाँ पे आना पड़ेगा, गाड़ियाँ तो सब बंद है, आप चलकर वहाँ तक आ जाओ, अगर आप वहाँ पे आ जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे आप, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप बच जाओगे। आप सोचोगे कि क्या यार 108 एम्बुलेंस को मैंने फ़ोन किया, इनका काम है कि मुझे ले जाए, हालेलुया, इनका काम है कि मुझे लेकर जाए, इनका काम है कि वो डॉक्टर उसमें हो, वो मेडिकल स्टाफ उसमें हो जो मुझे बचाए। लेकिन एम्बुलेंस वाले आके खाली इतना ही बोले आपको और बता कर दे कि देखो चल के जाना है, कैसे चलना है आपको पता है, अभी आपको ऑक्सीजन की कमी है तो पेट के बल लेट जाओ थोड़ा, फिर थोड़ा साइड में लेटो, फिर थोड़ा प्रोनिंग करो, ये सब करके आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा धीरे 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 करके, आप चलते 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 आप पहुंच जाना, और उसमें एक ब्रिज आएगा, ब्रिज दो ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर एक सर्कल आएगा, फिर वहां से आपको मुड़ना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सब बता कर देकर आपको ऐसे ही छोड़ दे, हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यीशु ने आकर शिक्षा नहीं दिया, यीशु ने कहा कि मैं आया हूं, अब मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भरूंगा, क्योंकि हम लाचार हैं, हम जहां हमें पहुंचना चाहिए हमारे उद्धार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैनॉट डू एनीथिंग, और जैसे वो 108 से एम्बुलेंस जो आता है वो आपको आपके लाचार हालात में आपको उठाकर आपको उनके गाड़ी में रखकर उनकी ताकत से वो उन्हें आपको हालेलुया उनकी अस्पताल ले जाता है। यीशु वैसे ही हालेलुया हमारे जीवन में आकर, हम जब लाचार हैं हालेलुया हमारे अंदर अपनी आत्मा को भरता है हालेलुया, हमें वो नया करता है हालेलुया, और उसकी ताकत से ही हम हालेलुया उस जगह पर अनंतता में प्रवेश कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु में और धर्म में इतनी फर्क है। धर्म आपको सारे नियम बता कर देगा, कभी किसी कोई धर्म को मानकर धर्म के सारे नियमों का पालन कर कभी कोई भी अनंतता प्रवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि धर्म के सारे नियमों का पालन करना नामुमकिन है। लेकिन यीशु हालेलुया, इसीलिए वो मसीहा है, इसीलिए उसका नाम मसीहा है, क्योंकि उसमें हम उद्धार पा सकते हैं, उसमें हालेलुया एम्बुलेंस में जब हम आ जाते हैं हालेलुया, उस एम्बुलेंस के अंदर घुस गए हालेलुया, वहां पर हर चीज है, वहां पर वो मेडिकल ट्रेन्ड यू नो डॉक्टर होगा या मेडिकली ट्रेन्ड हालेलुया वो व्यक्ति होगा जो आपकी मदद करेगा हालेलुया, वहां पहुंचने से पहले आपको वो जिंदा कर देगा हालेलुया, जो इंजेक्शंस लगाने हैं वो लगा देगा हालेलुया, जो दवाइयां आपको देना है वो दे देगा, ताकि हालेलुया आप सुनिश्चित हो जाओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग आज धन्यवाद दे रहे हैं यीशु को, कितने लोग, इसलिए हम यीशु का आराधना करते हैं, दैट इज वाई वी लव हिम सो मच, क्योंकि हम वी कैनॉट स्टॉप लविंग हिम, हम कैसे रोक दें उसकी उससे प्यार करना, हम कैसे हमारी स्तुतियों को रोक दें, हाउ कैन वी स्टॉप प्रेजिंग हिम, बिकॉज ही हैज डन सो अमेजिंग थिंग्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में इतने अद्भुत कार्य वो करता है, हमारे सोच हमारी ताकत हमारे बलबूते से ज्यादा चीजों की जरूरत है, और एंड गॉड गिव्स अस ऑल ऑफ दैट, ही प्रोवाइड्स, इसलिए वो कहता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, मार्ग भी मैं हूं, आई एम द वन हु इज गोइंग टू लीड यू, आई एम द ट्रूथ, मैं वो सच हूं जिसे तेरी जरूरत तुझे जरूरत है हालेलुया, और मैं ही वो जीवन हूं जो तुझे जिंदा रख सकता है, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ हालेलुया। हम पेंतिकोस के दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम ये कनेक्शन देखने जा रहे हैं, यीशु का पुनरुत्थान और पेंतिकोस के बीच का कनेक्शन हालेलुया। आप थोड़ा सा समझ गए होंगे ऑलरेडी कि यीशु का जी उठना क्यों इतना अनिवार्य था, ताकि वो आकर हमारे अंदर रहे। पेंतिकोस्ट जो है वो एक पर्व था जो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बता कर दिया था हालेलुया। पर्वों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक वचन मैं निकाल कर पढ़ना चाहता हूं, जो है उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1:14, उसका 14वां आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे, अब जो जरूरी बात है वो ये है, और वे चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों का कारण होगा। इब्रानियों का जो कैलेंडर है उसमें सूरज और चांद ये दोनों इन्वॉल्व है,
कुछ जो कैलेंडर्स होते हैं वो सूरज को फॉलो करते हैं, कुछ कैलेंडर्स जो होते हैं वो चांद को फॉलो करते हैं, लेकिन इब्रानियों के बीच में, यहोवा पर विश्वास करने वाले लोगों के बीच में ये, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि मैं दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, सो ही सेट द सन एंड द मून, और फिर वो कहता है वे चिन्ह, दे आर साइंस, ये जो वर्ड चिन्ह लिखा है उसके बाद लिखा है और नियत समय, यानी ये जो दिन और रात होता है, इन दिन और रात के बीच में या इन दिनों और रात का जो साइकिल चलता है उसके अंदर परमेश्वर ने कुछ नियत चीजों को रखा है, देयर आर डिवाइन अपॉइंटमेंट्स, ये जो दिन और रात हो रहा है उसके अंदर एक सीजन, मोएद जो वर्ड है वो वहां इस्तेमाल किया गया है, और उसका अर्थ है डिवाइन अपॉइंटमेंट्स, जहां परमेश्वर का अपॉइंटमेंट, परमेश्वर उस दिन और रात के बीच में जब ये साइकिल चल रहा है उसमें उसका मुठभेड़, ही इज गोइंग टू एंटर टाइम, ये अपॉइंटमेंट है, यानी ये सुनिश्चित किया गया, ऐसा लिखा है ना, नियत समयों का, यानी अभी तो समय, अभी तो दिन और रात शुरू हो रहा है, उस समय कह दिया कि ये नियत समयों का, यानी देर आर सर्टन, ऐसे कुछ समय होंगे जहां पर देर विल बी डिवाइन अपॉइंटमेंट्स। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, स्टे विद मी, मेरे साथ रहना। और फिर हम लेवी व्यवस्था के 23वें अध्याय में आते हैं। 23वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम यहां पर कुछ पर्वों को मनाने के बारे में लिखा, और ये पर्व जो है ये इन दिनों के साथ जुड़े हुए हैं, वही मोएद शब्द यहां पर भी इस्तेमाल किया है। पहला और 23वां अध्याय लेवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 23, और उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। विल रीड वर्सेस 1 एंड 2। ओके, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहें, यहोवा के पर्व, सबसे पहली बात, ये जो पर्व है ये किसके पर्व है? ये यहोवा के पर्व है। दीज आर द फीस ऑफ द लॉर्ड, यानी कुछ ना कुछ इस फेस्टिवल के अंदर, इस पर्व के अंदर परमेश्वर कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चाहता है, ये पर्व के अंदर से कुछ सिखाना चाहता है हमको, ये पर्व से वो एक कंसेप्ट हमारे मनों में उतारना चाहता है, ये पर्व हमें बहुत कुछ बता सकती है यहोवा के बारे में, और ये यहोवा के पर्व है। इसराइलियों से ये कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर, ये फिर से वही वचन हम पढ़ते हैं, नियत समय, मोएद पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। और फिर प्रभु कहता है कि मेरे पर्व ये हैं। इब्रानियों को बताते हैं कि दीज आर माय फीस्ट, मेरे पर्व ये हैं, तुम्हें इन पर्वों को मनाना है, दीज आर माय पर्व, ये मेरे पर्व है, ये नियोजित, हालेलुया, समय है, ये ऐसे समय हैं जहां पर समय के अंदर मैंने कुछ मार्कर्स डाल रखे हैं, घड़ी जैसा चलता है, टाइमलाइन जैसे चलता है, उसमें मैंने कुछ मार्कर्स कर रखे हैं, और उसके अंदर ये मेरे पर्व है जो तुम्हें मनाने हैं, प्रेज द लॉर्ड। और इसके नीचे हम सारे जो पर्व है उन पर्वों के बारे में पढ़ते हैं एक एक कर। अब हम लोग पूछेंगे कि हम तो नए नियम के विश्वासी हैं, हम तो नए नियम में विश्वास करने वाले हैं, पास्टर साहब आप ये पर्वों के बारे में ये सब क्यों हमें पुराने नियम में क्यों हमको घसीट कर ले जाते हो, समझने में मुश्किल होती है, और फिर हम तो नए नियम वाले हैं तो हमको इसे समझने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए मैं आपको समझा दूं कि ये क्यों समझना ज़रूरी है। इफिशियों की पत्री, इफिशियन चैप्टर 2 दूसरा अध्याय और उसका 11 से लेकर 13 तक के वचन में पढ़ना चाहता हूँ। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, यानी हम जो यहूदी नहीं थे, हम जो अब्राहम के वंशवली में नहीं हैं, हम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति है, जो लोग शरीर में हाथ के कारण हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं, मतलब जिन्होंने खतना किया वो हमसे कहते हैं कि हम खतना रहित हैं, करेक्ट। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, हम इज़राइल की प्रजा से अलग किए हुए थे, हम उनके अंदर, उनके गिनती में नहीं आते थे, परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था उस वादे के हकदार हम नहीं थे, अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में
ईश्वर रहित थे. यू नो, इस जगत में, इस पृथ्वी में, परमेश्वर के इस जगत में हम उसके बगैर थे. पर अब मसीह यीशु में, ये क्यों हमें समझना है, क्योंकि मसीह यीशु में अब क्या हो गया, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए. यानी हम जो अन्य जाति थे अब हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा इस परमेश्वर को हमने ग्रहण किया, हम इस परमेश्वर के लोग बन गए, हम उसके साथ सहभागी हो गए. हमारी जो आशाहीनता थी वो चली गई, हालेलुया. और हम इन प्रतिज्ञाओं के वाचाओं से, अब ये प्रतिज्ञा हमारी हो गई. मेरे साथ हो आप, यीशु के द्वारा ये सारी प्रतिज्ञाएं अब क्या हो गई, अब हमारी हो गई. अब्राहम से जो परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरे द्वारा मैं पृथ्वी को आशीषित करूंगा, और पूरी श्रृंखला जो वाचाओं की है वो अब हमारी है. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गई. प्रेज द लॉर्ड. गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय, गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय, और उसका भी एक वचन पढ़ना चाहता हूं, 26 से लेकर 29 तक के वचन, जो ये बातें हमें फिर से बताती है. क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान, वो अब हम जो परमेश्वर रहित थे, जो हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री में, दैट वी वेर विदाउट गॉड, अब हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं. और तुम में से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है. अब ना कोई यहूदी और ना यूनानी, प्रेज द लॉर्ड, अब कोई यहूदी और यूनानी नहीं, और ना कोई दास और स्वतंत्र, और ना कोई नारी और नर, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी. इसीलिए हर दिन सुबह जब हम प्रॉमिस वर्ड पढ़ते हैं, पुराने नियम में से जब हम पढ़ते हैं, तो हम सोचते कि अरे यार ये तो कई बार हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये तो इसराइल के लोगों को बताया गया. नहीं, अभी आप देखिए क्या लिखा है कि वो सारे वादे जो परमेश्वर ने इसराइल से किया था, परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था. और यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी. प्रेज द लॉर्ड. तो ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारी इसलिए होती है, और इसलिए पुराना नियम फेंक दो ऐसा नहीं है. पुराने नियम में से हम बहुत सारी बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमें परमेश्वर की पहचान में हमें बढ़ाएंगी. हालेलुया. आए हम वापस लेवी व्यवस्था में चलते हैं. जैसे मैंने कहा, नोट लिखने के लिए भूलना मत. और उसका 37 प्रभु क्या कहता है, फिर यहोवा ने क्या कहा. यहोवा के नियत पर्व ये ही है. ये आखिरी भाग है जहां पर परमेश्वर ने पर्वों के बारे में देखा. अगर आप आपके हिंदी बाइबल में देख रहे हो तो 23वें अध्याय की शुरुआत से जब आप नीचे देखोगे तो आप देखोगे वहां पे क्या क्या पर्व लिखे हैं. फसह और अखमीरी रोटी का पर्व, उसके बाद कटनी का पर्व, ओके, उसके बाद नव वर्ष का पर्व, प्रायश्चित के दिन का पर्व, झोपड़ियों का पर्व. और ये सारे पर्व जो हैं, इसे हम देखेंगे. मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको नोट्स दूंगा, आप उसमें से देखना. स्क्रीन पर मैं कुछ अब आपको चार्ट दिखाने वाला हूं, उसे आप फॉलो करना, और आप परमेश्वर की महान जो उद्धार का प्लानिंग है, आप देखिए कि किस तरह परमेश्वर एक अच्छे टीचर के समान अपने बच्चों के दिमाग में, उनके जहन में कैसे चीजों को उतार रहा है. हालेलुया. परमेश्वर उन बच्चों को या उसके संतानों को ये चीज, ये उद्धार कभी भूल नहीं जाए, इसलिए वो मार्कर्स देता है. वो कहता है कि ये मेरे पर्व होंगे, इन पर्वों को तुम करते रहना. यानी जब तुम इसे करते रहोगे तो तुम समझोगे, तुम जानोगे. यू विल नॉट फॉरगेट. आप भूलोगे नहीं कि मेरा उद्धार का योजना क्या है, और मेरे समय किस तरफ जा रहा है ये भी तुम नहीं भूलोगे. तुम्हें बराबर पता चलेगा, तुम्हें बराबर समझ रहेगी कि तुम कौन से समय में हो, कब वो नियोजित समय होगा जहां पर आप परमेश्वर के मुठभेड़ के लिए, परमेश्वर के एनकाउंटर के लिए आशा रख सकते हो. आमीन. अब ये सारी बातें जो है रहस्य की बातें हैं, ये सारी आत्मा में समझने वाली बातें हैं. हम वचन के द्वारा ही इसे समझ सकते हैं. हालेलुया. अगर आप ये सब बातों को नहीं समझोगे तो आप ऐसे विश्वासी बनोगे जो हर झोंका, हर हवा, हर लहर के साथ इधर उधर भटक जाओगे. और इसीलिए हमारा लंगर जो है वो परमेश्वर का जो अटल वचन है उसके ऊपर हमें डालकर रखना है.
यीशु ने कहा, दो लोगों के बारे में कहानी बताई। एक व्यक्ति, दो लोग अपना घर बना रहे थे, एक ने रेत पे बनाया और दूसरे ने चट्टान पे बनाया। आंधी और तूफान दोनों के खिलाफ आया, लेकिन जो घर बच गया वो घर था जो चट्टान पर था। मेरा और आपका जीवन और दुनिया में जो व्यक्ति रेत पर अपना घर बनाता है सेम है। उनको जो प्रॉब्लम्स आएंगे हमें भी आएगी। वही आंधी वही तूफान दोनों घर के खिलाफ आई, लेकिन एक घर बच गया और एक घर डूब गया। हालेलुया, बह गया। और मुझे और आपको अगर नहीं डूबना है तो ये जो अटल वचन है जो स्वर्ग में स्थापित किया है, अनंतता में स्थापित किया है, उस वचन के ऊपर जिंदगी, उस वचन को जानना, उस वचन के अनुरूप जीना, उस वचन के ऊपर जिंदगी को बनाना बहुत बहुत अनिवार्य है। फेसबुक और सोशल मीडिया की बातों से आप सब कुछ समझोगे ऐसा नहीं है। आपको यह वचन लेकर बैठना पड़ेगा और इस वचन में अपना समय बिताना पड़ेगा और इस वचन को जानना पड़ेगा। आपको नोट्स लिखना पड़ेगा किसी और के घर। हम विश्वासी लोग बड़े स्मार्ट हैं, हम सोचते कि हमारा पासवान, हमारे लीडर का जो घर है वो तो चट्टान पे बराबर, उनको वचन पता है, प्रेज द लॉर्ड। उनका घर बचेगा, आपका नहीं बचेगा। अगर आपको अपना घर बचाना है, लहर और आंधी और जिंदगी जब तूफानों को लेकर आता है उसके बीच में अगर आपको बने रहना है, यू विल हैव टू। और बच्चों को समझना है कि मम्मी पापा के विश्वास पर हमारा गाड़ी चल जाएगा ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए विश्वास बनाना पड़ेगा, आपको अपना दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, आपको वचन सीखना पड़ेगा, आपको वचन जानना पड़ेगा। ओ मेरे मम्मी पापा का घर बड़ा मजबूत है, ओ उनका विश्वास बड़ा स्ट्रांग है, तो हम भी चालू गाड़ी में चढ़ जाएंगे। सॉरी, नहीं होगा, क्योंकि थोड़े समय में ये तूफान आपके ऊपर भी आएगा, आप भी अपना घर बनाओगे और तब भाग कर मम्मी पापा के पास आप नहीं जा सकते। आपको अपने लिए अभी से नींव डालना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए हम संडे स्कूल रखते हैं, सब कुछ हो रहा है फिर भी ऑनलाइन संडे स्कूल, ऑनलाइन यूथ मीटिंग, फिर भी बहुत लोगों को जोर आता है। टाइम टाइम पर बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं हम, लेकिन संडे स्कूल को हम अनगिनित कर देते हैं, संडे स्कूल को हम तुच्छ समझते हैं, सोचते हैं उसमें क्या करते हैं। अरे बच्चों को रखने के लिए हमको इतना नाटक करना पड़ता है ताकि बच्चे इंटरेस्टेड रहें, वचन सीखें और वो बोर ना हो जाए। हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। वी विल हैव टू मेक श्योर दैट दे लर्न द वर्ड। और बच्चे जो सुन रहे हैं, मम्मी पापा के विश्वास के आधार पर आपका नहीं चलेगा। कई पत्नियां सोचते मेरा पति बड़ा विश्वासी है, बढ़िया है, मैं बच जाऊंगी। नहीं बचोगे आप, कभी ना कभी पति जाएगा या कभी ना कभी पत्नी चली। कई लोग बोलते मेरी पत्नी बड़ी विश्वास करने वाली, प्रार्थना करने वाली औरत है, ग्रेट, वो जाएगी, आप रह जाओगे। आपको अपने लिए वचन सीखना पड़ेगा, आपको अपने लिए अपना विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारे पर्व जो है इसे परमेश्वर ने दिया। और हम पढ़ रहे हैं क्या, 37वां आयत, यहोवा के नियत पर्व यह है, इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, अर्ध, प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए, अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना, ये इकट्ठा होने के बारे में बताना। प्रेज द लॉर्ड। अब एक चार्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो चार्ट है इसमें 7 पर्व मैं दिखाता हूं। ये चार्ट मैं इंग्लिश में ही मैंने लिखा, मैं एक्चुअली उसको पूरी तरह से हिंदी में नहीं कर पाया। मैंने किया था एक बार, बहुत ढूंढा लेकिन वो पुराना फाइल मुझे मिला नहीं। लेकिन आज के लिए ये रखिए, व्हाट्सएप में मैं आपको हिंदी में, अगर वो मैं बना पाता हूं तो मैं आपको भेज दूंगा, या मैंने पिछला जो बनाया था वो मैं आपको भेज कर दे सकता हूं। ओके, ये जो 7 पर्व है, ये पर्व की शुरुआत हम देखते हैं। ये चार्ट जो आपके सामने देखते हो, ये सारी जो है परछाई है आने वाले चीजों के बारे में। कुलुसी की पत्री 2 अध्याय और उसका 70वां आयत कहता है कि ये सारी बातें जो हैं वो आने वाले चीजों की परछाई है। वास्तविकता यीशु मसीह में है, द रियलिटी इज क्राइस्ट, लेकिन ये जो बातें हैं ये परछाई है, दीज आर शेडोज। ईश परमेश्वर अपने बच्चों को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन को यूज करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने उद्धार के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने बारे में चीजों को बता रहा है इन चीजों के दरमियान। और इसलिए हम जब इन चीजों को सीखेंगे तो हम परमेश्वर के बारे में ज्यादा बातें जान सकते। तो पहला इसमें आप देखते हो कि
यू नो दो भाग में हम कर सकते हैं इन सारे पर्वों को. इसमें से पहला भाग जो है वो है स्प्रिंग फेस्टिवल्स, या स्प्रिंग यानी क्या है स्प्रिंग, हाँ क्लाइमेट, वो ये स्प्रिंग नहीं, कूदने वाला स्प्रिंग नहीं, जब नई पत्तियां निकलती हैं, जब क्या बोलते हैं उसे, वसंत. तो कुछ जो है, थैंक यू वेरी मच, कुछ जो है पर्व वो है वसंत का पर्व है, और कुछ जो है वो पतझड़ का, ऑटम का पर्व है. अब इसमें चार जो पहले भाग आप देखते हो, ओके, ये चार वसंत के पर्व यीशु मसीह के आने के द्वारा, उनके पृथ्वी पर जीने के द्वारा उसे यीशु ने पूरा किया. और पतझड़ के जो है पर्व अब वो यीशु के सेकेंड कमिंग के साथ जुड़े हैं. ऑलराइट, वो चार्ट आप देख रहे हो उसमें एक साइड पे स्प्रिंग फेस्ट या आप देखते हो वो पर्व जो वसंत के साथ जुड़े हैं. ऑलराइट, स्प्रिंग के साथ जुड़े हैं. पहला उसमें है फसह का पर्व, यू नो पासओवर. ये कौन सा है? ये वो पर्व है जब हम इज़राइल के साथ देखते हैं, व्हेन वी सी दिस अलोंग विद इज़राइल, इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र से बचाया. उस समय हम देखते हैं कि निसान का 14 दिन, ये वो दिन था जब वो मेमने को, हालेलुया, इज़राइल के लोगों से परमेश्वर ने कहा, जब मिस्र से फरों की गुलामी से परमेश्वर उन्हें छुड़ा कर लेकर आ रहा है, ये जो फसह का पर्व है ये वो पर्व है जब यीशु परमेश्वर का मेमना हमारे लिए मारा गया. ये कब मनाया जाता है? निसान 14. ओके, इसका वर्णन आप कहां देखोगे? आप देखोगे निर्गमन का किताब 12वां अध्याय, और नए नियम में उसका जो वास्तविकता, ये परछाई है, उसका वास्तविकता या वो घटना सच में कब घटता है, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 17 से लेकर नीचे यीशु के मृत्यु के साथ जुड़ी हुई बातों को हम वहां पढ़ते हैं. ये फसह का पर्व, यीशु जो था वो फसह का मेमना, हम जानते हैं, यूहन्ना ने कहा देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को हर लेता है. जैसे उस दिन इज़राइल के लोग मिस्र की गुलामी से परमेश्वर छुड़ा रहा था, वहां पर एक मेमने को मारा गया, और जब मृत्यु का दूत न्याय करने के लिए, हालेलुया, मिस्र में आता है, तब परमेश्वर, हालेलुया, उनसे कहता है कि तुम इसके लहू को अपने घरों पर लगा देना, और जिन जिन घरों के ऊपर वो लहू लगा था, हम जानते हैं कि वहां पर मृत्यु का जो दूत है वो प्रवेश करता नहीं है, और मृत्यु से वो बच जाते हैं उस मेमने के वजह से. प्रेज द लॉर्ड. अब दूसरा जो है पर्व वो है अखमीरी रोटी का पर्व, अनलिवेंड ब्रेड. ये जो है वो यीशु के गाड़े जाने के साथ समझ सकते हैं हम. ये 7 दिन का पर्व होता था. दिस वॉज अ फीस्ट जो 7 दिन चलता था, जो निसान, जो उनका जो कैलेंडर है उसमें निसान महीने का 15वें दिन से लेकर 22वें दिन तक ये 7 दिन का पर्व था. और यही लेवी व्यवस्था 23वें अध्याय में 6 से लेकर 8 तक के वचनों में हम उस पर्व के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें क्या करना है वो बताते हैं हमें. अगला जो पर्व है वो है कटनी के पर्व, या पहले फसल का पर्व. अब पहला फसल जो है, निसान 17 को पहला फसल का पर्व मनाया जाता था. लेवी व्यवस्था 23 उसका 9 से लेकर 14 तक के वचनों में हम उस पर्व के बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट फ्रूट. ओके, ये जो पर्व है वो यीशु के पुनरुत्थान के साथ जुड़ा हुआ पर्व है. यीशु के पुनरुत्थान के साथ जुड़ा हुआ क्यों? क्योंकि यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये जो पहली कटनी, पहला फसल का जो एग्जाम्पल है, यू नो, ये जो है, ये जो पर्व है ये वो पर्व है जब फसल तैयार हो रहा है, उस समय उस फसल का एक भाग लाकर परमेश्वर के
सामने पेश किया जाता था। महायाजक जो है वो इस फसल को लेकर उसे परमेश्वर के सामने पेश करता था, और ये जो था फर्स्ट फ्रूट, यानी अब फसल जैसे ही उठा है उसका फर्स्ट फ्रूट, अब जो पीछे आने वाले वो सब इसके कॉपी है। हेलो, क्या है कि इसके बाद जो तैयार हो रहा है वो सब इसके कॉपी है। जो फर्स्ट फ्रूट है, पहला जो फसल हुआ है, पहले दाने जो लगे हैं, उसको परमेश्वर के सामने लाकर सौंपना। और यीशु मसीह हमारे लिए वही बना। जब उसने पुनरुत्थान पाया वो फर्स्ट फ्रूट था। हालेलुया, ही वाज द फर्स्ट वन, वो पहला था, ताकि हम अब, क्योंकि वो जैसे पुनरुत्थान पाया, हम भी पुनरुत्थान पाएंगे विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो हमारे अंदर जीता है। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप। ऑलराइट, उसके बाद चौथा जो पर्व है वो है पेंतेकोस्त का पर्व, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का पृथ्वी पर आने के बारे में वो पर्व है, और ये जो है ये 50वां दिन, यानी जो फसल के पर्व के बाद जो सबत है उस दिन से लेकर 50 दिन आप गिनोगे, उस दिन पर मनाया जाने वाला 50वें दिन का, दिस इज कॉल्ड पेंटा, यानी 50वें दिन का पर्व, उस समय का जो पर्व है, वहां से उस सबत है उससे 50 दिन आपको गिनना है। और ये सिवान नाम का जो महीना है उस महीने के 7वें तारीख को पड़ता है। इसकी जो बात है वो लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय 15 से लेकर 22 में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम पहला और दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 50वां दिन आ गया था और शिष्य इकट्ठे हुए थे और वो एक कमरे में थे और वहां पर पवित्र आत्मा आग के रूप में उनके ऊपर आकर उतरती है। हेलो, मेरे साथ हो आप। अब एक बार मैं इसका जल्दी से एक मिनट और लेकर इन पर्वों के बारे में फटाफट आपको बता दूं और फिर हम इस पर्व की गहराई में जाएंगे। ऑलराइट, अब जैसे मैंने कहा ये वसंत ऋतु के पर्व थे, अब पतझड़ के पर्व शुरू हो रहे हैं। अब इसके बीच में एक गैप है, यू नो, ये दोनों के बीच में एक गैप है, और ये जो गैप है ये है कलीसिया का समय। दिस इज द एज ऑफ द चर्च। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका पवित्र आत्मा का आना, और अब चर्च कलीसिया का समय है। अब यह समय खत्म कब होगा? जब ये जो अगला पर्व है जो है तुरहियों का पर्व। हालेलुया, तुरहियों का पर्व, नए वर्ष का पर्व। हालेलुया, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसमें 23 से लेकर 25वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के उस दिन को स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए। अब एक नरसिंगा फूकने का पर्व आने वाला है। हेलो कलीसिया, मेरे साथ हो आप। द नेक्स्ट फीस्ट जो होने वाला है वो नरसिंगा फूका जाने वाला एक पर्व है। और आपको मैं बता दूं, पहली कुरिंथियों की पत्री 15वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर खुद बादलों पर आएगा और प्रधान दूत का, हालेलुया, नरसिंगा फूका जाएगा, और जो मसीह में पहले मरे हैं वो जी उठेंगे, और उसके बाद हम जो जीवित हैं उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये चार पर्व सही तरह से सही समय पर पूरा हुआ है, और इसलिए अभी 5वां, 6ठा और 7वां भी इसी तरह से पूरा होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नरसिंगों का या ट्रम्पेट्स, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स अगला पर्व है, और फिर उसके बाद जो पर्व है वो कौन सी है? वो प्रायश्चित का दिन, द फीस्ट ऑफ एटोनमेंट, यीशु मसीह का दोबारा पृथ्वी पर आगमन, ये वो समय है। ऑलराइट, और ये दोनों पर्व के बीच में होगा याकूब के महा उपद्रव का समय, यानी इज़राइल के ऊपर बहुत बड़ी ताड़ना होने वाली समय होगी ये। अभी इज़राइल की घटनाएं आपने देखा, अभी आपने इज़राइल का घटना देखा, इज़राइल की घटना में आपने क्या देखा? इज़राइल की घटना में अभी आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। इज़राइल ने बहुत जम के वार किया, और उन्होंने हमास को या वो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया, क्योंकि वो अपने देश के ऊपर, हालेलुया, वो रॉकेट्स भेज रहे थे। तो अभी दुश्मनी जो है वो बढ़ गया है। अभी अगला लड़ाई जो होगा, आप समझ सकते हैं, अगर कुछ भी लड़ाई होगा तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल वॉर। अभी कोई और राष्ट्र उसमें जुड़े नहीं, लेकिन एजेकियल की किताब में, दानियल की किताब में, फिर नए नियम में बहुत सारे भविष्यवाणियों को देखते हैं। आज समय नहीं है इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। हम देखते हैं कि इसराइल के ऊपर बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है,
नया एक मंदिर वहां पर बनाया जाने वाला है, यीशु ने कहा उसके बारे में, और वहां पर क्या होगा उसके बारे में यीशु ने बताया। यानी अभी वो समय नहीं है, लेकिन वो समय होने वाला है, तैयार, उसकी तैयारियां हो रही है। इज़राइल पक गया है, इज़राइल कहता है कि बस हो गया, मेरे जगह पर मैंने पूरा अनुमति दिया, ये जो मस्जिद है उसमें लोग आकर आराधना कर सके, मैंने, हमारा जमीन है लेकिन हम सारी आपको ये दे रहे, लेकिन फिर भी आप हमारे खिलाफ लड़ाई कर रहे हो। यानी इज़राइल जो है एक बॉइलिंग पॉइंट पे, कभी भी कुछ भी होगा तो इज़राइल कुछ भी कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी तैयारियां हो गई है, इज़राइल इंतजार कर रहा है कि सही समय होगा और वो परमेश्वर का भवन, जो तीसरा मंदिर होगा, वो वहां पर बनाएंगे और वहां परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपको पता है उसके एक साल पहले हमें पता है कि वहां पर ऑलरेडी उन्होंने सैक्रिफिशियल सिस्टम तैयार कर दिया है। उन्होंने टेम्पल इंस्टीट्यूट नाम का जो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। हालेलुया। एक लाल बछड़े के बारे में मैंने आपको बताया था, जो जरूरी है वो भी मिल गया है उन्हें। यानी उनके लिए सारी तैयारियां अब रेडी है। जैसे ये घटना हो गई, उसके पहले ये तुरी फूंकी जाएगा, क्योंकि कलीसिया को उठा लिया जाना पड़ेगा, और कलीसिया उठा लिया जाएगा, और फिर याकूब के जो 7 साल है वो शुरू होंगे, अंत के 7 साल, जिसके बारे में बाइबल हमें बताते हैं, और फिर यीशु मसीह का दोबारा आगमन, और फिर हम आखिर का जो पर्व देखते हैं, आप चार्ट पर देखिए, और उस पर्व का नाम है द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, झोपड़ियों या तंबुओं का पर्व, जहां परमेश्वर का परमेश्वर का रहना अपने लोगों के साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? तो आपने पूरी जो कहानी है वो स्टार्टिंग से एंड तक मैंने आपको बताया कि कैसे इज़राइल को परमेश्वर उद्धार देता है, कैसे यीशु का मृत्यु, फिर पुनरुत्थान, फिर पवित्र आत्मा का आना, और अब बीच में एक गैप है, और फिर जो 3 पर्व अब मनाए जाने वाले हैं, ये सब कुछ इसी प्रकार चलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में कि वो अपने लोगों के साथ रहेगा, नया आकाश, नई पृथ्वी, और ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 से लेकर 6, मैंने वो वचन आपके लिए वहां पर लिखा है, आप उसे निकाल कर पढ़ लेना। समय नहीं है, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि भैया ये तो सब बराबर है, आपने बोला 4 हो गए, पर ये 4 बराबर हुए कि नहीं हुए? हम कैसे विश्वास करेंगे कि ये 4 हुए? इसके ऊपर भरोसा, हमारा यकीन कैसा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है, ही सच अ परफेक्शनिस्ट, उससे कोई गलती होती नहीं है, एकदम परफेक्टली वो हर चीज को करता है। अब समय सारी भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए नहीं है मेरे पास, लेकिन एक पर्व निकाल रहा हूं मैं उसमें से, ओके? जो हमने शुरू के 4 पर्व देखे, उन 4 पर्व के टाइमिंग को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आप देखोगे कि कितना सही तरह से परमेश्वर हर चीज को करता है। और ये चीज हमें ये समझदारी दे देनी चाहिए कि क्योंकि परमेश्वर का टाइमिंग इतना परफेक्ट है, बाकी के जो पर्व हैं वो भी इसी परफेक्शन के साथ पूरे होने वाले हैं। यीशु ने कहा कि आने का जो समय है वो किसी को नहीं पता, वो तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि दुनिया की घटनाओं के साथ साथ प्रभु यीशु ने कहा कि अंत के दिनों जो है वो एक स्त्री के प्रसव वेदना के जैसे हैं। जब ये यीशु ने बहुत सारी बातों को बताया और कहा कि ये सारी चीजें को होना है, और पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं आया, जैसे एक स्त्री को प्रसव वेदना होती है तो वो शुरू में होता है, कुछ देर, 1 घंटे बाद फिर से वेदना होता है, फिर आधे घंटे बाद होता है, फिर 15 मिनट बाद होता है, फिर 10 मिनट बाद होता है, फिर हर 2-2 मिनट में होता है। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आता है, उसका वेदना का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता है। और यीशु ने बहुत सारी बातें हमें बताकर दी, मत्ती रचित सुसमाचार में उसके दोबारा आगमन के पहले दुनिया के अंत के बारे में बता के और दी, लेकिन इतिहास में आज एक ही ऐसा समय है जहां पर इन सारी घटनाओं को इतना जल्दी होते हुए हम देखते हैं, राष्ट्र राष्ट्र के साथ, जाति जाति के साथ, हर प्रकार की बीमारियां, नई नई प्रकार की बीमारियां, लोगों का मरना, और आर्थिक जो इश्यूज हैं, और दुनिया में जो समस्या हो रही है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी, एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा, दूसरा खत्म नहीं हुआ कि तीसरा, तीसरा खत्म नहीं हुआ कि अगला साइक्लोन आ रहा है। हेलो, मेरे साथ हो आप? उसका मतलब है कि जो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया, उसका मतलब है कि अब समय कम है। कलीसिया, सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ,
अपने आप को तैयार कर लो, अपने आत्मिक जीवन को तैयार कर लो, क्योंकि ये घटनाएं हो रही हैं और प्रभु के आगमन में समय नहीं है। ऐसा मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। अब मैं आपको अगला एक चार्ट में ले जाना चाहता हूं, जहां पर मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने ये जो पहले चार जो पर्व है वो इतने प्रिसाइसली कैसे पूरा किया। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हो आपके सामने, मसीह के पर्व, जो चार पर्व मैं बताने वाला हूं इसमें, उसे आप देखना। ऑलराइट, इसमें नीचे जो ऑरेंज कलर में या येलो कलर में जो आप देख रहे हैं, ये हमारा कैलेंडर है, जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यू नो, हर डे जैसे दिन जाते हैं। इसके ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी आप देखते हो जो इब्रानी कैलेंडर या यहूदियों का जो कैलेंडर है वो फॉलो करता है, और उसमें आप देखते हो 9 निशान, 10 निशान, 11 निशान, ऐसे आप देख रहे हो। तो ये निशान का महीना उनका कैलेंडर है, और ये दोनों कैलेंडर को मैंने साथ में जोड़कर रखा है। अब यहूदियों का जो दिन है वो शाम से शुरू होता है, जैसे शाम से शुरू होकर अगले दिन शाम तक होता है, नाइट एंड डे। जेनेसिस उत्पत्ति के किताब में लेकर नहीं जाना चाहता हूं, वहां पर प्रभु कहता है कि फिर रात हुई और दिन हुआ, और ऐसा पहला दिन हुआ, एंड देन देयर वाज नाइट एंड देन देयर वाज डे, द फर्स्ट डे। तो रात से शुरू होती है, शाम से शुरू होती है, अगला दिन शाम तक, ये एक दिन होता है। तो आप देखोगे कि शुक्रवार पहला, जो मैंने वहां लिखा है, शुक्रवार शाम से 9 तारीख का निशान शुरू होता है, शनिवार शाम तक, और शनिवार शाम से 10 तारीख का निशान शुरू होता है। हमारा दिन शनिवार को खत्म हो जाता है, रविवार फिर ऐसा चलता है, लेकिन ये जो दिन है वो इस प्रकार चलते हैं यहूदी कैलेंडर। अब यीशु के साथ की घटनाओं को आप देखिए। निशान 14 मैंने आपको बताया था कि वो फसह का पर्व था, दैट वॉज द डे ऑफ पासओवर। और यीशु के साथ की घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो 10 निशान या में उस रविवार को हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है। होजाना, अगर आपको याद है, होजाना रविवार हम मनाते हैं, ये यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करना है। उसके बाद मंदिर में हालेलुया, उसके परखा जाना है, वहां पर जो लोग थे वो उसके खिलाफ हुए, वो सब उसे जांचने लगे, उसके खिलाफ बोलने लगे, ये 11वां निशान 11 तारीख। फिर 14 तारीख के पास जब आप आते हैं तो 13वें तारीख निशान को फसह शुरू होने के पहले पत्रस और यूहन्ना को फसह की तैयारी के लिए यीशु भेजता है। उसके बाद क्या घटना होती है, यीशु शिष्यों के साथ फसह मनाता है। हालेलुया, फसह शुरू होता है, फसह का दिन शुरू हो रहा है, और यीशु अपने शिष्यों के साथ उस कमरे में बैठा है, और वो रोटी तोड़ता है, वो कहता है क्या, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। एग्जैक्टली वही पैसओवर, वही फसह का समय, यीशु उस रोटी को तोड़ता है और वो अपने शिष्यों को देता है। देखिए, अब ये जो फसह था उसमें हालेलुया एक बड़ा सबत और छोटा सबत, दो सबत हुआ करते थे, मेरे साथ रहना। अब यीशु की गिरफ्तारी हम देखते हैं कि गुरुवार को यीशु को उस फसह मनाने के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ जो है गेतसेमने की वाटिका में जाते हैं, वहां यीशु को गिरफ्तार किया जाता है, यीशु के ऊपर न्याय चलता है, और यीशु का मृत्यु भी हम देखते हैं। और आपको पता है कि यीशु का गाड़ा जाना क्यों जरूरी था। यीशु का गाड़ा जाना इसीलिए तुरंत जरूरी था क्योंकि हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ने कहा और यहूदियों ने कहा कि अब फसह शुरू होने वाला है, सबत शुरू होने वाला है, तो सबत के दिन हम उसके शरीर को वहां ऊपर नहीं रख सकते, तो उस शरीर को आप उतारो, सबत शुरू होने से पहले उस शरीर को उतार दो, ऐसा आपने पढ़ा है, हाँ या ना? ऑलराइट, अभी आप मेरे साथ हो। अब उस दिन आप देखते हो कि 14 निशान खत्म होने से उस दिन, 14 निशान 14 फसह का पर्व मनाने वाले दिन यीशु हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया। कई बार कई लोगों को डाउट होता है कि 3 दिन 3 रात बोला तो कहां यीशु 3 दिन 3 रात बोला, है ना? जीसस शुड स्टे इन द ग्रेव, कितने दिन? यीशु ने कहा 3 दिन और 3 नाइट। तो अगर फ्राइडे को हुआ है तो सैटरडे संडे 2 ही दिन हुआ है, तो यीशु 3 दिन कहां पे रहा कब्र में?
ऐसा कॉल करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए सवाल करते हैं। इसलिए आप देखो ये चार्ट को अच्छी तरह से समझो। यीशु को गुरुवार शाम को दफनाया गया। इनको देखोगे आप देखोगे कि तीन रात और तीन दिन जैसे यीशु ने बोला था वैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप। अब ये फसह का पर्व खत्म होने के बाद ऊपर सबसे ऊपर आप देखते हो अखमीरी रोटी का पर्व। ये सात दिन का पर्व था, दिस वॉज अ सेवन डे फीस्ट, सात दिन चलने वाला ये पर्व था। और रविवार को जो आप देखते हो उसमें नीचे मैंने लिखा यीशु का जी उठना, हालेलुया। ये पहले फसल का पर्व था जो निसान 17 को होना था, विच हैड टू बी ऑन 17th ऑफ निसान। निसान का काइंड कर सकता था कि मेरा डेथ ये समय के पहले मुझे गाड़ दिया जाएगा। मरने के बाद तो कोई कंट्रोल है ही नहीं आपके पास, बट एवरीथिंग वॉज सो प्रिसाइज। यीशु यरूशलेम को जाता है, वो कहता है आओ हम यरूशलेम चलते हैं क्योंकि मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं वहां जाकर मुझे मार दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ऐसे यीशु अपने शिष्यों से कहता है, शिष्यों को समझ में नहीं आता, लेकिन एग्जैक्टली यीशु अपने समय के अनुरूप चलता है और तीन दिन तीन रात और ये फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, हालेलुया, जो हम देखते हैं जो सात दिन मनाया जाता है, और पहले फसल का पर्व उस दिन जब पहला फसल यानी वो फसल के दाने पहली बार जो निकलते हैं उसे परमेश्वर के सामने लाते हैं और जो याजक है वो परमेश्वर के सामने उसे प्रस्तुत करता है और धन्यवाद देता है कि आने वाला फसल हमारा जो बाकी का फसल है इसके ऊपर आप आशीषित करना, और वैसे ही जैसा ये फसल है वो फसल भी हालेलुया आशीषित होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु हालेलुया उस पहले फसल के पर्व के अनुरूप हालेलुया वो वहां पर जी उठता है। अब ये सारी इतना प्रिसाइज, यू नो, अब तो मैं और भी गहराई में जा सकता था। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे ऐसे यहूदी याजक हैं जिन्होंने वो टाइम तक प्रिसाइजली कि कौन सा घड़ी कौन सा दिन कितने सेकंड पर यीशु को मरना था वो तक कैलकुलेट किया है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। अगर आप और ज़्यादा इसमें समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन रीड, आप इसे पढ़ते हो, सीख सकते हो। अब अगला जो चार्ट है वो यही चार्ट का थोड़ा सा और एक लंबा वर्जन है, जहां पर आप देखते हो कि फसह के दिन परमेश्वर का मेमना हमारे लिए मारा गया। उस दिन में वो जो सबत है उस दिन से लेकर 50 दिन शबोत जो है उसे मनाया जाएगा, 50वां दिन जो पेंतिकोस का दिन है, हालेलुया। ये जो पेंतिकोस का दिन है ये 50वां दिन फसह के दिन से 50वां दिन गिनना है। ये वो समय है जो आनंद का समय है जब इज़राइल हालेलुया अपने हालेलुया धान को लेकर परमेश्वर के पास आता है और उन्होंने अब फसल काटी है, दे आर वेरी हैप्पी, दे कम जॉयफुली टू द लॉर्ड, हालेलुया। ये पर्व जो है सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है, कई जगह पर लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं जहां पर इसे कहा गया है। और ये वो समय था जब वो अपने फसल को लेकर प्रभु के पास आते हैं। फसल क्या दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया पहला फसल नहीं, ये फसल का पर्व है। पहला फसल यीशु मसीह था जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। ही वॉज, वो उस दिन उठा जब पहले फसल का पर्व था और वहां याजक ये पहला फसल लेकर प्रभु के सामने खड़ा रहता है और उसे प्रभु के सामने पेश करता है, धन्यवाद देता है कि आने वाली अब जो फसल है, आने वाले दिनों में जो फसल अब पूरा तैयार हो जाएगा, दैट वुड बी अमेजिंग, और प्रभु आप इसके ऊपर आशीष देना। जैसे यीशु हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, हम भी जिनके अंदर वही आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हम भी एक दिन प्रभु के सामने पेश किए जाएंगे, हालेलुया। वी विल बी प्रेजेंटेड बिफोर गॉड, हालेलुया। ये 50वां दिन, अब आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम में, हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय जहां पर हम क्या पढ़ते हैं, यीशु वहां पर क्या कहता है, यीशु वहां पर अद्भुत बातें कहता है, हालेलुया। इससे पहले अगर हम लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में चलेंगे, थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे तो लूका रचित सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को ये सब कुछ समझा कर देता है। ये कोई हमने बनाया नहीं है, यीशु को अपने बारे में सब पता था,
आपको लगता है कि पास्टर लोग मिलकर ये पढ़कर उन्होंने बनाया, ऐसा नहीं। आप देखिए लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 44वां आयत, 44 यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु क्या करता है, 44वीं आयत से हम पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा के व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों के पुस्तकों में मेरे लिए लिखा है सब पूरी। यानी यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के साथ बैठकर चेलों को समझा कर दिया कि ये सब पुराने नियम में जो मेरे बारे में लिखा है मूसा के किताब में, भविष्यवक्ताओं में, व्यवस्थाओं में, भजनों में जो लिखा गया है वो कैसे मैंने पूरा कर दिया। हालेलुया। ये पास्टर लोगों ने बैठ के बनाया नहीं है, जीसस न्यू, उसे पता था। और अब पुनरुत्थान के बाद वो अपने शिष्यों को समझा कर देता है। आपको पता है पुनरुत्थान के पहले यीशु अपने शिष्यों से कहता है, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं अभी जो कहूंगा वो तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे, लेकिन वो जो परमेश्वर की आत्मा है वो आकर आपको सारी सच्चाई में लेकर चलेगा, वो तुम्हें बता कर देगा। और फिर अब पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों को बता कर देता है। यीशु को पता था कि बस पुनरुत्थान के बाद यीशु को लगा कि हाँ आई एम द चैंपियन, नहीं, यीशु बिल्कुल जानता था कि वो कौन है। कई लोग आजकल ऐसे समय है जहां पर लोग कैसे भी फिलोसॉफिया बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि बस यीशु ऐसा ही था, वो जी उठा उसके बाद उसने ताकत पाली, उसने क्या बोलते हैं बैठकर ये किया, योग किया, फलाना किया, और उसके बाद नहीं करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ही न्यू हु ही वॉज। वो साक्षात परमेश्वर का पुत्र है, उसे पता था। और उसके पुनरुत्थान के बाद बैठकर ये बताकर अपने शिष्यों को देने से हमें पता है कि यीशु ऐसा नहीं था कि वो यीशु बन गया, या वो एक साधारण मनुष्य था जो यीशु बन गया, जो साधारण मनुष्य था जो मृत्यु पर जीत गया, नहीं, ही वॉज गॉड हिमसेल्फ। वो साक्षात परमेश्वर था। कैसे हमें पता? क्योंकि उसी ने मूसा को यह नियम के बारे में बताया, मूसा को यह पर्व के बारे में बताया, मूसा को इन दिनों के बारे में बताया, मूसा से कहा कि यह नियोजित समय होंगे, मूसा को सिखाया, भविष्यवक्ताओं को सिखाया और भविष्यवक्ताओं से लिखवाया। और फिर वो आता है, समय में प्रवेश करता है और वो अपने बारे में सारी भविष्यवाणियां पूरी करता है, और करने के बाद अपने शिष्यों को कहता है कि देखो जो मूसा ने हजारों साल पहले लिखा था, व्यवस्थाओं में जो लिखा गया था, नियमों में जो लिखा गया था, और आने वाले जिसके बारे में लिखा था, वो मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। जीसस न्यू ही वॉज। वो कोई इंसान नहीं था जो ईश्वर बन गया, जिसे ईश्वर बना दिया गया, जिसे कुछ लोगों ने ताली बजाकर भजन गाकर उसे ईश्वर बना दिया, समय के साथ धीरे धीरे कहानियां बनती गई और फिर कहानियों में से उसे ईश्वर का दर्जा दिया गया। वो कोई मिथ्य गाथा नहीं है। यीशु से पहले 1500 साल पहले जिन लोगों ने भविष्यवाणियां की थी, जिन लोगों के द्वारा मूसा के समय से हम पढ़ते हैं, जिन पर्वों के बारे में बता कर दिया था, समय में यीशु उसे पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। 45वां आयत, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ, पवित्र शास्त्र समझने का सबका काम नहीं है, इसके लिए बैठकर हमको प्रभु से मांगना पड़ेगा। आप देखो यहां लिखा है 45, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए, बुझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। कई लोग इतना प्रचार सुनते हैं लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जाता। तो आज आपको ये सुनना है, ये प्रार्थना करना है कि यीशु मुझे आप वो समझा कर दो। और यीशु ने कहा, मैं चाहूं ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा तो वो सलाहकार तुम्हारे साथ आएगा और तुम्हें हर धार्मिकता की ओर ले चलेगा, वो तुम्हें वचन में सिखाएगा, वो तुम्हें मेरी बातें याद दिला कर देगा। मेरे पास समय कम है, इन सारे वायदों को मैं आपको बताकर नहीं दे सकता हूं वचनों को, लेकिन इन वचनों को आप जानते हो, मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए पवित्र आत्मा आया 50वें दिन, ताकि उसके लोगों के साथ रहकर उस समय तक इंतजार करे जब पतझड़ के पर्वों का मनाने का समय आने वाला है। और यीशु ने हमें बताया कि पतझड़ के, द फीस्ट ऑफ ऑटम जब शुरू होगा, उसमें कौन सा होने वाला है, वो किसके साथ शुरू होने वाला है। सबसे पहला पर्व नरसिंगों का पर्व, वो नरसिंगा फूंका जाएगा, जो प्रभु में है वो पहले जी उठेंगे।
और उसके बाद हम जो जीवित है और जो उस पर विश्वास करते हैं वो उठा ले जाएंगे। समय नजदीक है कलीसिया, द लॉर्ड्स कमिंग इज नियर, पर प्रभु का आना निकट है। इतना सूक्ष्मता से हर चीज को प्रभु करता है, और आने वाले घटनाएं भी 100% इस वचन के ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, क्योंकि वचन ने आपको पहले से ही यह सब कुछ बता कर दिया है। पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और वे यरूशलेम से लेकर सब जातियों के मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम में किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तुम तब तक इसी नगर में ठहरना। ये सब कुछ कहने के बाद बोलता है, पिता का प्रतिज्ञा जो मैंने आपसे कहा है मैं उसे उतार कर देने वाला हूं। अभी तक नहीं उतार पाया हूं क्योंकि मुझे क्रूस पर मरना जरूरी था, लेकिन मैं अब क्रूस पर मरा हूं, मैं अब फिर से जी उठा हूं, और मैं बादलों पर उठा लिया जाने वाला हूं, और मैं हालेलुया मैं परमेश्वर पिता का जो आज्ञा है, जो वादा है कि उसकी आत्मा हमारे अंदर रहेगी, वो हमें एक नया दिल देगा कि हम अब इज़राइल जो है वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, लेकिन वो नया दिल पत्थर का दिल हटाकर मांस का एक दिल देगा और अपने लोगों के दिल में वो अपने नियमों को लिखेगा। पहला नियम जो था वो पत्थर पर लिखा गया और इज़राइल ने उसे तोड़ दिया। अब का जो नियम है वो हमारे दिलों पर लिखा जाएगा। कल आशीष मुझे पूछ रहा था कि प्रभु आने वाला है और फिर प्रभु हमको स्वर्ग ले जाएगा, तो फिर डैडा वहां पर सिन होगा कि नहीं होगा? वाजिद सवाल है कि वहां पर हम पाप, हमको फ्री विल होगा कि नहीं? उसका सवाल ये था, डू विल वी हैव फ्री विल? यस, हमको आजादी होगी, लेकिन उस समय हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अब परमेश्वर का नियम कहां लिखा गया है? हमारे दिलों में लिखा गया है। इट इज रिटन ऑन अ हार्ट, और हमारे अनुभव हमारे साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे कि क्या हुआ था पृथ्वी पर, हमारी याददाश्त खत्म, हम ज़ॉम्बी के जैसे हो जाएंगे। नहीं, आदम ने क्या किया और आदम के वजह से क्या हुआ और हमने कितने हजारों साल भुगते, ये सब कुछ हमें पता होगा और हम आजाद होंगे, और परमेश्वर का नियम हमारे दिलों पर होगा और हम उसके साथ युगानुयुग रहेंगे। वो हमारी ज्योति बनकर सदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। और शैतान को उस समय बांध दिया जाएगा और उसे डाल दिया जाएगा उसके लिए जो तैयार किया हुआ जगह पर, और वो लुभाने के लिए फिर आएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें अंदर से बदल देगा, वो हमें यीशु जैसा कर देगा, फिर से हम हालेलुया उसके साथ युगानुयुग उस रिश्ते में रहेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातों को मिटाने नहीं आया हूं, लेकिन उसे पूरी तरह से पूरा करने के लिए आया हूं। शब्बत का दिन क्या, ये शुवोत का दिन या पेंतेकोस्त का दिन कौन सा है? नए नियम, पुराने नियम में जब हम चलेंगे, समय नहीं है, मैं जल्दी से आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूं। निर्गमन का किताब 19वां अध्याय 1-25 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर हम पहला पेंतेकोस्त का दिन देखते, 50वें दिन को इन लोग निकले थे, फिर खाना खत्म हो गया, अखमीरी रोटी खत्म हो गई, परमेश्वर ने मन्ना बरसा कर दिया, रोज वो लेते थे खाते थे। 40 दिन वो रेगिस्तान में गए, 40 दिन जो है वो परखने वाला समय था, और उसके बाद 50वें दिन हालेलुया वो खत्म होता है। सिनाई पर्वत पर मूसा को परमेश्वर नियम देता है और उसे भेजता है। ये वो समय है जब परमेश्वर ने अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, सॉरी पुराने नियम में अपने लोगों के साथ वाचा बांधा था। दिस वॉज, और वहां पर जो 50 दिन के बाद जो वाचा बांधा था, कुतबा, वो ही शब्द है विवाह का शब्द। इट इज अ सेम वर्ड फॉर मैरिज, कवनेंट। परमेश्वर ने रेगिस्तान में इज़राइल के लोगों के साथ एक कवनेंट बांधा था। 50वां दिन सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने उन्हें चुना, 40 दिन वो परखे गए, हालेलुया, और फिर वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाचा बांधता है।
और पेंतिकोस का दिन भी वही दिन है जहां परमेश्वर अपने कलीसिया के साथ एक वाचा बांधता है, जहां पर परमेश्वर का जो वाचा, उसने पिता का जो वादा था वो अपने लोगों के अंदर भेजता है, उनके साथ रिश्ता बांधता है। हालेलुया, अब मैं तुम्हारे अंदर रहकर तुम में जीऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं तुम्हें अनाथ छोड़ूंगा नहीं, हालेलुया। अब मैं तुम में जीकर, हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हालेलुया, और मैं तुम्हें वाचा के देश में पहुंचाऊंगा। समय नहीं है, मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। प्रेरितों का कृत्य उसका दूसरा, प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय 2-4 हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आती है। पत्रस खड़ा होता है, 14 में प्रचार करता है, 3,000 लोग जीवन पाते हैं। पुराने नियम की परछाई देखिए, मूसा वहां पर था, वहां पहाड़ पर पहाड़ हिलने लगा, वहां बिजली होने लगी, वहां गर्जन होने लगा, हालेलुया, वहां लोग डर गए, क्योंकि जब मूसा ऊपर से नीचे आया यहां पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप। वहां बड़ी आवाज हुई थी, और नए नियम में सेम आवाज को हम देखते हैं। वहां आग उन्होंने देखा, नए नियम में ये जो पेंतिकोस का दिन था वहां पर भी आग उतरा, वहां लोग डर गए थे, वो जगह हिला, यहां पर भी जगह, प्रेरितों के काम में जगह हिला। सिनाई में सुबह 9 था, पत्रस के खड़ा होता है, तब वो कहता है कि सुबह का समय है, अभी कोई यहां पर शराब पीकर मतवाला हुआ नहीं। अब देखते हो कि हाउ प्रिसाइज ये मेल कैसे खा रहे हैं। प्रेरितों का काम 2 40-42 हम पढ़ते हैं कि वो प्रचार करता है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। उस दिन 3,000 लोग बच गए, पुराने नियम में 3,000 लोग उस दिन मर गए, सर्प डस गया। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप। अब देखते हो कि हाउ कितनी सारी बातें जो हैं वो इस तरह से मेल खाता है। हालेलुया, लेवी व्यवस्था 23 उसका 37 हम पढ़ते हैं कि ये जो पर्व है वो तुम्हारे लिए एक होली कॉन्वोकेशन होगा। 37 लेवी व्यवस्था 23 और उसका 37 मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। यहोवा के नियत पर्व ये हैं, इनमें तुम यहोवा के नियत पर्व ये हैं। ये जो नियत है शब्द लिखा है उसका ट्रांसलेशन या इब्रानी भाषा में मिक्रा है, जिसका नाम है, जिसका अर्थ है रिहर्सल। क्या है ये सब कुछ जो पर्व हम देखते हैं, दीज आर रिहर्सल्स, ये रिहर्सल है। जैसे बहुत बड़ा स्टेज पे हम जाते हैं प्रैक्टिस कर, उस स्टेज पे परफॉर्म करने के पहले रिहर्सल करते हैं। प्रभु ने अपने लोगों से कहा कि इसे बार बार रिहर्स करते रहो, हर साल करते रहो, ताकि उस दिन जब एक्चुअल एक्ट होगा तुम्हें पता होगा कि क्या हो रहा है। दीज आर रिहर्सल्स। हालेलुया, प्रभु महान है, हालेलुया, उसकी सामर्थ्य महान है, हालेलुया, उसके बल, हालेलुया, अद्भुत है, उसकी योजनाएं अद्भुत है, हालेलुया, वो हालेलुया, उसने योजना बनाई है। उसने कहा कि पिता ने जो वादा किया था उस वादे को, हालेलुया, उस वादे को, हालेलुया, वो पूरा करेगा, हालेलुया, आमेन। पेंतिकोस के दिन यीशु ने कहा मैं पिता ने जो वादा किया उसे पूरा करूं, वो पूरा होगा। परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, वहां उतर कर आया। प्रभु की आत्मा वहां उतर कर आई। और जैसे यीशु ने वादा किया और जैसे हमने यीशु के जीवन में देखा, वो परमेश्वर का मेमना, हालेलुया, वो परमेश्वर का मेमना, हालेलुया, बनकर हमारे बीच में आया। बादलों पर जल्दी आने वाला है। अगर इतनी प्रिसिशन के साथ उसने सब कुछ पूरा किया तो उसके बाकी वादे भी जरूर पूरा होंगे। हम बहुत नजदीक हैं, वो तुरही कभी भी फूकी जा सकती है। क्या आप तैयार हैं? क्या अपना जीवन आपने हालेलुया बना लिया है कि वो तुरही जब फूकी जाएगी, हालेलुया,
तो आप उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाओ। प्रभु हमसे समय मांग कर नहीं आएगा कि बेटा आपके लिए सही टाइम कब है, वो अपने घड़ी से अपना समय चलाता है, हमें तैयार होना पड़ेगा उसके घड़ी के साथ अपना घड़ी मेल करने के लिए। आज सुबह क्या आपने अपना घड़ी तैयार कर लिया है? ऐसी कौन सी बात है जो आपके अंदर अविश्वास पैदा करती है और जो अविश्वास के कार्य आपके अंदर लेकर आता है? क्या हम अभी भी दुनिया की चीजों में व्यस्त हैं, दुनिया की चीजों में का पीछा कर रहे हैं? क्या हम अभी भी हालेलुया दुनिया की बातों से लुभाए जा रहे हैं, या क्या हम पवित्रता से पवित्रता की ओर, महिमा से महिमा की ओर हम बढ़ रहे हैं? यीशु ने कहा उस दिन अनेक लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम में ये किया वो किया, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यीशु क्या आपको जानता है? क्या आपका रिश्ता यीशु के साथ उतना गहरा है? आप यीशु के बारे में कितना जानते ये नहीं, यीशु आपको कितना जानता है? How much does Jesus know you? यीशु आपको कितना जानता है? Does Jesus know you? Have you given your life to Christ? क्या अपना जीवन आपने यीशु को दिया है? क्या उसके नाम से आप जाने जाते हैं? क्या स्वर्ग में हालेलुया जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है? वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, अपनी दुल्हन। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? या अभी भी हम दुनिया के कुछ चीजों से निराश और दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया के बातों के पीछे हम व्यस्त हैं? क्या हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है? हमारे जीवन में क्या कुछ लोग हैं जिन्हें हमें माफ करना है? कुछ लोग हैं, कुछ बातें हैं जो हमें छोड़ना है, कुछ बातें जो हमें त्यागना है? क्या हमारे जिंदगी में अभी भी कुछ है जो सुधारना है? परमेश्वर अपने समय का पक्का है। मेरा शरण स्थान मेरा सबसे करीबी मित्र हर पल, मेरा शरण स्थान मेरा सबसे करीबी मित्र हर पल, हर मुश्किल में हर परेशानी में यीशु ही आसरा है अटल, हर मुश्किल में हर परेशानी में यीशु ही आसरा है अटल, मेरा शरण स्थान मेरा सबसे करीबी मित्र हर पल, हर मुश्किल में हर परेशानी में यीशु ही आसरा है अटल,
बढ़ता बेसब्री से इंतजार। अगर आपकी ये बात है तो गाइए मिलकर हालेलुया। करूंगा विश्राम अनंतर में उसके, करता बेसब्री से देने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें बल देने के लिए, जिसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज सुबह तेरी आराधना करते हैं खुदा, आपके सामने अपने आप को नम्र करते हैं, ये बड़ी आशा के साथ जीने के लिए कि वो जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो जिसने मेरे अंदर ये कार्य शुरू किया है, हालेलुया, वो मेरा विश्वास का लेखक, वही उसका पूर्ति करता है। धन्यवाद युत हो, हालेलुया। और इस पुनरुत्थान के रविवार, इस पेंतेकोस्त के दिन, हालेलुया, हमारे अंदर वो सामर्थ्य डाली है ताकि हम जिए, हालेलुया। हमारे स्मरणहार
शरीर को हालेलुया आपने अपने अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य से भर दिया, उपस्थिति से भर दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, हालेलुया, मैं हार नहीं मानूंगा, हालेलुया, क्योंकि मैं पुनरुत्थान वाला हूं, हालेलुया, क्योंकि मेरे अंदर यीशु जिंदा है, हालेलुया। वो बादलों पर लेने के लिए चलाने वाला है कलीसिया, मेरे प्रियो, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो आ रहा है, हालेलुया, इज कमिंग। हमारे चारों तरफ की घटनाएं हमें चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उसका आगमन निकट है। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, धन्यवाद दे, हालेलुया, उसकी आराधना करें, हालेलुया, उसके जैसे और बने। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करें। खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए। फिर से हमें आपने दिखाया, आपने हमें यकीन करवाया, हमारे अंदर आपके आप पर विश्वास को आपने हालेलुया और दृढ़ किया कि आप वादे के पक्के हो, हालेलुया। अब्राहम को जो वादे किए हैं वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हमारे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप हालेलुया आज तक कोई भी जंग हारे नहीं हो और आप हमारे लिए लड़ते हो, और इसलिए हम विजेता से भी बढ़कर हैं, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रभु आपके बच्चे, हालेलुया, जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजर कर जा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सागर के सारे पानी को जो अपने चुल्लू में भरता है वो मेरा खुदा है, हालेलुया। हर लहर कितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, हम तेरे हाथों के अंदर, तेरे हथेली में सुरक्षित है, इसलिए धन्यवाद, हालेलुया। बीमारी आएगी तो वो जाएगी, हालेलुया, तकलीफें आएगी तो उसे जाना होगा, हालेलुया, परेशानियां आई तो वो जरूर जाएगी, हालेलुया, हालेलुया, विजय आप हमें दोगे, हालेलुया। और एक दिन जल्दी आप बादलों पर आओगे और अपने हाथों से हमारे आंसुओं को मिटाओगे। आपके बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी आशीषों को उनके ऊपर मैं बोलता हूं, ये वचन उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। हमारे प्रियजन जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है, उनके उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी असीम शांति और ये आशा, हालेलुया, उन सबके अंदर आप डाले। पाठक आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है, तेरी बेटी अकेली है, लेकिन हमें पता है कि आप उसके साथ, उसके नाथ बनकर हो, हालेलुया, अब उनके संग हो, हालेलुया, उन्हें और सामर्थ्य और बल से भरना, उनके जिंदगी के लिए धन्यवाद। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, पाठक अंकल के परिवार के लिए प्रार्थना करते, खुदावंद आपकी आशीषें, हालेलुया, आपके बच्चों के ऊपर रहे, उस पिता की कमी को पूरा करना। जेम्स भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी प्रिय हमारे कई प्रियजन, कई पासवान, हालेलुया, उनके परिवारों में, हालेलुया, उनके प्रियजन गए हैं, उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे। जो लोग कमी का महसूस कर रहे, जो लोग घटी का महसूस कर रहे, प्रभु स्वर्ग के भंडार को खोल कर, हालेलुया, आप देने के लिए विश्वास योग्य हो, मैं जानता हूं। अगर आपने अपने इकलौते को हमारे लिए नहीं बख्शा तो और क्या कुछ आप हमें नहीं दोगे प्रभु। विश्वास और दृढ़ रहने के लिए, विश्वास योग्य और दृढ़ रहने के लिए हमारी मदद करना, हमारे संग रहना, और पवित्र बनने के लिए और महिमा पाने के लिए हमारे संग रहकर हमें चलाना। अपने आप को नम्र करते हैं खुदावंद, महिमा और आदर आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रभु आपकी मदद करें, आपके साथ रहे, आपको ताकत और बल दें, हालेलुया, इन वचनों के साथ प्रभु आपके संग रहें, हालेलुया। हर दिन सुबह कि जो मॉर्निंग डिवोशन है उसे चूकिएगा नहीं, मिलिएगा जरूर, परमेश्वर अद्भुत बातें प्रभु के लोगों के द्वारा हमें देता है, हालेलुया, वायदों को देता है। सप्ताह भर के अनाउंसमेंट्स आपने सुने, उन सब में पार्टिसिपेट करिएगा, अपने बच्चों को आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करवाइए। यूथ, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द यूथ सर्विस, हालेलुया, पास्टर केनेथ से, हालेलुया, हमने रिक्वेस्ट किया, बहुत हालेलुया अद्भुत दो सेशंस रहे, और भी आगे के सेशंस रहेंगे, और आने वाले महीनों में देयर आर मोर थिंग्स दैट आर प्लान्ड, तो ज़रूर आप यूथ सर्विस में जुड़िए, आशीषित होइए, संडे स्कूल को मत मिस करिए, हालेलुया, प्रभु में बढ़िए, गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हमारे साथ, आप सबके साथ होती रहे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, वो आपके साथ रहें, हालेलुया, उसकी हुजूरी और उसका प्रेम आपके साथ रहें, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, और वो आपके लिए लड़ेगा, हालेलुया, और आप उसमें विजेता से भी बढ़कर हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग, कंटिन्यू टू प्रे फॉर एवरीवन, सबके लिए प्रार्थना करिएगा, हमारे देश के लिए प्रार्थना करिएगा, आमीन।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर मैं फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। उसकी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है, उसका फजल मेरे लिए काफी है। हाँ खुदावंद, तेरा फजल काफी है, काफी है तेरा फजल, काफी है तेरी रहमत। यीशु राजा तुझको सजदा दिल से करते हम, तेरी मोहब्बत तेरी रहमत के गुण गाते हम। यीशु राजा तुझको सजदा दिल से करते हम, तेरी मोहब्बत तेरी रहमत के गुण गाते हम। हालेलुया, दर्शाई सलीब पर तेरी रहमत की बारिश तू हमको नसीब कर। तेरी मोहब्बत तूने दर्शाई सलीब पर तेरी रहमत की बारिश तू हमको नसीब कर। तेरी तेरी रहमत, तेरी तेरी रहमत, तेरी रहमत ही है गावी गाएंगे मिलकर। यीशु राजा तुझको सजदा दिल से करते हम, तेरी मोहब्बत तेरी रहमत के गुण गाते हम। यीशु राजा तुझको सजदा दिल से करते हम, तेरी मोहब्बत तेरी रहमत के गुण गाते हम। हालेलुया, मोहब्बत से हमको क्या कर सकती जुदा, तेरी रहमत के सिंहासन के पास हूँ खड़ा। तेरी मोहब्बत से हमको क्या कर सकती जुदा, तेरी रहमत के सिंहासन के पास हूँ खड़ा। तेरी तेरी रहमत, तेरी तेरी रहमत, तेरी रहमत ही है गापी गाऊंगी सदा। यीशु राजा तुझको सजदा दिल से करते हम, तेरी मोहब्बत तेरी रहमत के गुण गाते हम। यीशु राजा तुझको सजदा दिल से करते हम, तेरी मोहब्बत तेरी रहमत के गुण गाते हम। हालेलुया, मोहब्बत हमको है संभालती हर पल, तेरी रहमत से ही होगी जिंदगी ये सफल। तेरी मोहब्बत हमको है संभालती हर पल, तेरी रहमत से ही होगी जिंदगी ये सफल। तेरी